Hi guys, kya haal, sat sri akaal, welcome to brand new episode of IUFC TV. It's time now, English Premier League is just around the corner and so is our very much awaited FPL. So in this episode, main aapko bataunga ke FPL kya hai and at the end, I'll tell you my 5 secrets for successful FPL season. So let's get into the video. FPL stands for Fantasy Premier League. FPL एक free to all online fantasy football game है, जिसमें आप अपने हिसाब से एक football team बना सकते हैं from all the available Premier League players. After every game week, your team will score points according to the actual performance of the players in your team. और ये points ही decide करते हैं कि आपकी team की ranking क्या होगी globally as well as in the mini leagues you have joined. और FPL के official global league जीतने पर you can receive some exciting prizes like watching your favorite English Premier League team live in their stadium having a match day experience. But teams को बनाने और points score करने के लिए कुछ rules हैं. Starting में FPL gives you 100 million pounds to create a team of 15 players. इन 15 प्लेयर्स में आपको दो गोलकीपर, 5 डिफेंडर, 5 मिडफील्डर और 3 फॉरवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं. प्लेयर्स की प्राइसेस FPL उनकी डिमांड और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड करता है. हर गेम वीक में आपको अपने इन 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने होते हैं जो प्लेयर्स आपको लगता है कि बेस्ट परफॉर्म करके आपकी टीम को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिलाएंगे. And every player receives points according to his performance in the game week. For example, वो कितने मिनट खेला, उसने कितने गोल किए, कितने असिस्ट किए, कितनी क्लीन शीट्स या फिर the number of saves in case of a goalkeeper. हर गेम वीक के बाद आपको एक फ्री ट्रांसफ़र मिलता है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने 15 प्लेयर्स में से एक प्लेयर चेंज कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर आप एक से ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो हर एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र पे आपको 4 पॉइंट्स की पेनल्टी होती है. अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव गेम वीक्स में कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है तो इन द थर्ड वीक यू विल गेट 2 फ्री ट्रांसफ़र्स. लेकिन ये 2 फ्री ट्रांसफ़र विल नेवर बिकम 3 फ्री ट्रांसफ़र्स. आप सारे स्कोरिंग पॉइंट्स रिलेटेड रूल्स ऑफिशियल FPL वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है माय 5 सीक्रेट फॉर सक्सेसफुल FPL सीजन. सो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1. सो पॉइंट नंबर 1 इज फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट. व्हेन यू आर सेलेक्टिंग प्लेयर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द फॉर्म ऑफ द प्लेयर्स लाइक द फॉर्म विच दे हैव परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस ईयर और फॉर एग्जाम्पल दे हैव परफॉर्म्ड इन द tournaments in the summers like FCON championships and like Euros and etc. Point number 2, check the run of fixtures. आपको हमेशा आपकी जो FPL टीम है वो आने वाले 5 fixtures के हिसाब से बनानी चाहिए. अगर आप कोई भी players को transfer करते हैं तो keep looking के उस player के particularly next 4 or 5 fixtures क्या हैं. And as of now, अगर आप game week 1 के हिसाब से देखें तो एवर्टन, मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर हैविंग बेस्ट रन ऑफ फिक्स्चर्स अमंग ऑल द प्रीमियर लीग टीम्स. पॉइंट नंबर 3, सेलेक्ट साइड बैक्स इंस्टेड ऑफ सेंटर बैक्स. बिकॉज आजकल के जो साइड बैक्स होते हैं वो काफ़ी अटैकिंग होते हैं. दे कैन कम फॉरवर्ड एंड मेक सम गुड रन्स एंड दे कैन चॉप इन सम असिस्ट एज वेल. और कुछ साइड बैक्स इंक्लूडिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कैन इवन टेक गुड फ्री किक्स. पॉइंट नंबर 4, यूज़ योर चिप्स इन डबल गेम वीक्स. जब ये प्रीमियर लीग सीजन आगे बढ़ेगा तो यू कैन सी सम टीम्स विल हैव 2 फिक्स्चर्स इन 1 गेम वीक. फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर विल बी एफ ए कप्स, लीग कप्स, तो कुछ टीम्स को एक हफ्ते में 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे. पॉइंट नंबर 5, हैव एटलीस्ट 1 or 2 डिफरेंशियल्स इन योर टीम. फ्रेंड्स, डिफरेंशियल का मतलब वो प्लेयर होता है जो कि अनयूजुअल प्लेयर होता है, नॉट कॉमन प्लेयर होता है. फॉर एग्जांपल कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि हर FPL टीम में नहीं मिलेंगे आपको. टिपिकली ये प्लेयर्स वो होते हैं जिनका सिलेक्शन रेट 5% से कम होता है. अगर आप ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में रखेंगे इट गिव्स यू एक्सट्रीम एडवांटेज इन केस ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फ्रॉम दीज डिफरेंशियल. इट विल गिव यू अ वेरी मच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अमॉन्ग ऑल योर कॉम्पिटिटर्स इन योर मिनी लीग्स एंड ग्लोबल लीग्स. So friends, I hope you enjoyed this episode and I hope as soon as you complete watching this episode, you will make your FPL fantasy team as soon as possible. And if you do so, please don't forget to join the IUFC Fantasy Challenge for some exciting gifts. In case you have any questions, please feel free to ask me in the comment section. I hope you like this video. Thank you for watching and have a great week ahead.